नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। धूप घास से गुणों का खजाना, आइए जानते हैं कैसे। दुर्वा यानी धूप की घास को हिंदू धर्म में पूजा में प्रयोग किया जाता है। खासतौर से गणेश जी के पूजन में इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजन में इसका महत्व यूं ही नहीं है। इसके स्वास्थ्य के लिए तमाम लाभ है, तभी इसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम आपको घास खाने को कहेंगे तो आप भी सोचेंगे कि हम भला ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हम किसी ऐसी वैसी घास की बात नहीं कर रहे हैं। दुर्वा यानी धूप की घास की। धूप की घास को हिंदू धर्म में पूजा में प्रयोग किया जाता है, खासतौर में गणेश जी के पूजन में इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन पूजन में इसका महत्व यूं ही नहीं है। इसके स्वास्थ्य के लिए तमाम लाभ है, तभी इसे पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके फायदे की। आयुर्वेद के अनुसार धूप की घास त्वचा संबंधी रोगों में बेहद लाभकारी होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुणों की वजह से त्वचा संबंधी समस्याओं से लाभ होता है। इसे खाने से खुजली, एक्जिमा और चकत्ते आदि में लाभ होता है। इसका हल्दी संग पेस्ट बनाकर भी त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा आजकल एनीमिया की समस्या आम हो चुकी है। इस बीमारी में धूप की घास रामबाण इलाज है। धूप की घास का रस पीने से बहुत लाभ होता है। यह हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है और लाल रक्त कोशिकाओं को भी, इसलिए दुबे की घास के रस को हरा खून भी कहते हैं। दांत में दर्द होने पर कानों में उसका रस टकराने से दांत दर्द में तुरंत फायदा मिलता है। इसके अलावा धूप की पत्तियों को पानी में उबालकर उससे कुल्ला करें तो मुंह के छाले में भी लाभ होता है। यही नहीं, धूप की घास शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम भी करती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटीमाइक्रोबियल गुण बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। धूप की घास थकान, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं का भी समाधान करती है। डिप्रेशन और टेंशन जैसी मानसिक समस्याओं में भी धूप की घास बहुत लाभकारी है। इसके अलावा नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप की घास के रस दो दो बूंद नाक के नथनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। यही नहीं, सिर में दर्द में भी यह बेहद लाभकारी है। इसके अलावा जौ को धूप के रस में घोटकर सिर में मलने से सिर दर्द दूर हो जाता है। धूप को खाने के अलावा एक और लाभ है जो बेहद कमाल का है। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अब तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर आपको चश्मा लगा है तो सुबह सुबह धूप की घास पर नंगे पैर चलने से चश्मे का नंबर भी कम हो जाता है। हालांकि इसमें ध्यान रखना चाहिए, धूप की घास पर ओस हो तो यह ज्यादा फायदा करता है। वहीं यदि किसी को मलेरिया हो गया है तो दूध के रस में अतीस के चूर्ण को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चटाने से काफी लाभ मिलता है, ऐसा आयुर्वेदिक जानकार बताते हैं। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।